पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जन साधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। किंतु उस समय हर कोई परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। आज से लगभग 625 वर्ष पूर्व भी पूरी सृष्टि को बुनने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान व सतलोक की महिमा का गुणगान किया और समाज में फैले पाखंडवाद को खत्म कर भक्त समाज को एक सत्य भक्ति प्रदान की, जिसके करने से लोगों को परमात्मा वाले लाभ प्राप्त होने लगे, जिससे प्रभावित होकर उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के 64 लाख की संख्या में श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य हुए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों तरफ फैलते देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की असफल कोशिश करते ही रहते थे। उन्हीं में से एक थी राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी द्वारा काशी में भंडारे की झूठी चिट्ठियां डालकर परमेश्वर कबीर जी को बदनाम करने की साजिश। इस कबीर ने तो हम सभी का जीना हराम कर रखा है। हमने उसे मारने की कितनी बार कोशिश कर ली, लेकिन वो हर बार किसी ना किसी तरह बच ही जाता है। अब नहीं बच पाएगा। अब की बार मैं ऐसा पैंतरा फेंकूंगा कि उसे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या सोचा है पीर जी? पास आओ। आपने भी क्या तरकीब सोची है? अब तो उसके लिए भारी मुसीबत आने वाली है। अगले ही दिन से एक पत्र भारत वर्ष के कोने कोने में सभी मठों, आश्रमों, मंदिरों में पहुंचने लगा। पत्र में लिखा था, मान्यवर कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। भंडारे में प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के बाद 1 सोने की मोहर व 2 हर दक्षिणा में दी जाएगी। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। साथ में सुखा सीधा भी दिया जाएगा। सभी शिष्यों को बता दो, भंडारे में सभी को चलना है। जगह जगह झूठी चिट्ठी के पहुंचते ही हर तरफ भंडारे की चर्चा होने लगी, जिसके बाद सोने की मोहर और दोहर के लालच में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग काशी में निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते पूरी काशी नगरी भंडारे में आए साधु संतों से भर जाती है। अरे भक्तों, आज इतनी भीड़ कैसे लगी है? तुम किस नींद में सोए हुए हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ काशी में कबीर नाम का सेठ 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक भोजन के साथ 1 सोने की मोहर व 2 हर भी दी जाएगी। आपको कोई निमंत्रण पत्र मिला है? हाँ हाँ, ये देखो चिट्ठी। ये जरूर किसी की बदमाशी है। मुझे जल्दी से गुरुदेव को सब बताना चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ रविदास? गुरुदेव, आज तो अपनी काशी छुटेगी। उन दुष्टों ने तो हद कर दी। आपके नाम की झूठी चिट्ठी बंटवा रखी है कि कबीर सेठ पुत्र नीरू 3 दिवसीय भंडारा करेगा, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद खाने वाले को 1 सोने की मोहर और 1 दोहर भी दी जाएगी। अच्छा,
और अब उस झूठी चिट्ठी को लेकर लाखों की तादाद में लोग भंडारे के लिए आए हुए हैं। रविदास, आज तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं उन नादानों ने। मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से अनाज होता है। इतने लोगों को मैं कहां से भोजन खिलाऊंगा? आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना मत। जब कोई नहीं मिलेगा तो थक हार कर अपने आप वापस चले जाएंगे। गुरुदेव, ये नकली धर्म के ठेकेदार रोज आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। कोई बात नहीं रविदास, जैसे तैसे आज आज का दिन और निकाल लेते हैं। रात को निकल जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर। तंग आ चुका हूं मैं इनके इन रोज रोज के कारनामों से। मैं बोलता सच्चाई हूं और ये समझते उसको निंदा है। आ जाओ रविदास, बैठ जाओ। दोनों भगवान को याद करते हैं, आपत्ति के समय उसी को याद करना चाहिए। वही सबकी लाज रखते हैं, हमारी भी रखेंगे। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी अपने दो रूप धारण कर एक रूप में तो रविदास जी के साथ झोपड़ी में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच जाते हैं। जहां असंख्य बैल उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर टंगे झोलों में भंडारे के लिए टेंट का सामान और पका पकाया भोजन, लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी सब लदा हुआ है। हे सृजनहार परमात्मा, जहां आप गए हो वो तो खाकी खंजू स्थान है, वहां सारी उम्र लगे रहते हैं, फिर भी खाने को भोजन तक अच्छे से नसीब नहीं होता। आपके आदेश से हमने सब कुछ तैयार कर रखा है। परमेश्वर कबीर साहिब जी वहां खड़े अनंत कोटि बैलों में से केवल 9 लाख बैलों को और सेवादार रूप में वहीं की कुछ हंस आत्माओं को लेकर एक पल में सतलोक से चलकर काशी में प्रकट हो जाते हैं। कलप से उतर जिया पे अलग कर तारा केश।
राजन, आपके गुरु का निमंत्रण आया है भंडारे का, आप चलेंगे नहीं क्या? गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, मैं अवश्य चलूंगा। काशी चलने की तैयारी की जाए। देखते ही देखते काशी शहर के चौपड़ के बाजार में परमेश्वर की दया से भंडारा शुरू हो जाता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, वाह, जो खाता वो गुड़ गाते नहीं थक रहा था। सब्जी, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ले, खीर, हलवा आदि जो कोई कुछ भी पकवान मांगता वो उसे खाने को मिल रहा था। और चिट्ठी में लिखे अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद सभी को एक दोहर और एक सोने की अशरफी भी दी जा रही थी। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी, जो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था, अपने धार्मिक पीर शेख तकी के साथ भंडारे में पहुंच जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? भंडारे में परमेश्वर कबीर साहेब जी की जय जयकार सुनकर जहां शेख तकी ने सोचा तो था कि कबीर अपनी झोपड़ी छोड़कर भाग गया होगा और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, किंतु उसके विपरीत भंडारा चलते देख शेख तकी के तो तन बदन में आग लग गई। हे भक्तों, कबीर साहिब जी किधर हैं? कबीर साहिब जी का तो मालूम नहीं, किंतु उधर सफेद तंबू में एक व्यक्ति बैठा है, वही भंडारे की सारी व्यवस्था किए हुए है। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन है आप और कबीर जी से क्या नाता है आपका? मैं एक बंजारा हूँ और कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। उनका संदेश मेरे पास गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, थोड़ा सामान लेते आइएगा। और भंडारा चल रहा है। 18 लाख आदमी भोजन कर रहे हैं, ये इसे छोटा सा भंडारा कह रहा है? कबीर जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? हे राजन, उनका दास जो बैठा है उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता? आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, भोजन भंडारा तो मैं गुरुदेव के दर्शनों परांत ही करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है उन्होंने हमें यहाँ भी खोज लिया। भीड़ शायद घर पूछते पूछते यहाँ तक पहुंच गई है। कोई बात नहीं, आप दरवाजा मत खोलना, कुछ देर बाद अपने आप चले जाएंगे। दरवाजा खोलिए परवरदिगार, दिल्ली से आपका दास सिकंदर आया है। राजन, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, इन लोगों ने तो आज सभी हदें पार कर दी हैं। मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है, मैं कैसे निकलूं बाहर? इस बनारस में कोई सेठ भी मेरा ऐसा जानकार नहीं है जो मुझे पैसे उधार दे दे। मैं तो बड़ी मुश्किल से ताना बुनकर अपने परिवार का पालन करता हूँ, इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बस आज रात होने का इंतजार है राजन, रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। है परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते, आप ही अल्लाह अकबर हो। आपने देखो वहाँ क्या रंग लगा रखे हैं। एक बार दरवाजा खोल दो दाता, दास आपके दर्शन करना चाहता है। खोल दो दरवाजा। हे परवरदिगार, भंडारे में सभी जगह आपकी जय जयकार हो रही है, हर कोई आपके दर्शन करना चाहता है। दया करो परवरदिगार, दया करो। राजा सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी जैसे ही भंडारे में चलने के लिए खड़े होते हैं, तभी उनके सर पर अपने आप ही हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर मुकुट आ जाता है। और कुटिया से बाहर निकलते ही उस परम पिता पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है। रविदास जी, आज ये सेवा मुझ दास को दे दीजिए, आप तो रोजाना करते हो।
इनमें से कबीर जी कौन हैं? जिस पर बादशाह सिकंदर लोदी चवर कर रहे हैं वही कबीर हैं। धन्य हो भोजन है। इसके बाद कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप केशो से मिलने के लिए उनके तंबू में आते हैं और जो ही परमेश्वर कबीर जी तंबू में प्रवेश करते हैं तो देखते ही देखते अपने आप उनके लिए एक सुंदर सिंहासन लगने लग जाता है जिस पर चारों तरफ हीरे पन्ने मोती जड़े हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी आसन ग्रहण करते हैं। उधर परमेश्वर को देखने के लिए भंडारे में आई लाखों की भीड़ टेंट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है जिसके बाद केशो रूप परमात्मा कबीर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत लोक को छोड़कर इस झूठ कपट वाले लोक में क्यों आ गई? आप इनका भला सोचते हो, इनको अमृत भोजन खिला रहे हो और ये आप ही के विरुद्ध इकट्ठा हुए रहते हैं। केशो, सब लोक मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। अपनी अज्ञानता से ये काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये आज मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इनको सत भक्ति देकर वापस लेने के लिए आया हूँ। परमेश्वर जी, आप हंस लोक को छोड़ इस जीव लोक में आए जिनका हाड़ चाम और रक्त का बना शरीर है जिसमें विष्ठा भरी पड़ी है, आप इनसे कैसे भक्ति कराओगे? केशो, भैंस या गाय आदि को बच्चा होने से पहले उसमें सिर्फ हाड़ चाम होता है, दूध नहीं होता, और जब बच्चा हो जाता है तो उसी हाड़ चाम के शरीर से दूध की बाल्टी भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार मैं इनमें भक्ति प्रवेश करूंगा और उस भक्ति से इस हाड़ चाम के शरीर में ही इनको सतलोक प्राप्ति होगी। हे परमेश्वर, ऐसे लोक में जहाँ जमीन पर पांव रखते ही दंड लगता है, ऐसे गंदे लोक में आपकी वहनी पर मैं बलिहारी हूँ। वही शेख तकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। उसने लोगों को इकट्ठा तो इसलिए किया था कि कबीर किसी को भोजन करा नहीं पाएगा और लोग उसको गालियां देंगे, लेकिन कबीर जी ने उन इकट्ठा हुए लाखों भक्तों को 3 दिन तक मोहन भोजन भी खिलाया और सोने की मोहर व दोहर देकर सत्संग से उनका अज्ञान अंधेरा भी हटाया। फिर भी ये सब शेख तकी से देखा नहीं गया। उसके अंदर जलती ईर्ष्या की आग इतने महान समागम में भी कमी ही ढूंढ रही थी और इसी आग में शेख तकी मुंह बनाकर सिकंदर लोधी से कहने लगा, चलो राजन, इसने क्या भंडारा किया है, बहुचा सा किया है, ऐसे ऐसे तो हम 100 भंडारे कर देंगे। शेख तकी ने जब इतना कहा ही था कि बोलते बोलते उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। उसने कुल 52 बार कबीर साहिब जी पर जुल्म किए, परंतु ये उसके जीवन की आखिरी बकवाद थी जो उसने कबीर परमेश्वर जी के साथ की। 3 दिन तक समागम चला। 3रे दिन सेवकों ने बचा हुआ सामान व टेंट आदि बैलों पर लाद दिया और चल पड़े। गंगा में पानी ज्यादा है, इसे अभी पार नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, अभी मत जाओ। बंजारे और बैल जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा का पानी एकदम कम हो जाता है और फिर सारे बैल निकल जाते हैं, जिसके बाद गंगा का पानी फिर से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, जिसे देख वहाँ खड़ी भीड़ आश्चर्यचकित रह जाती है। जाइए जाइए केशो, कहीं आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या, कहाँ गए बैल, कहाँ गए बंजारे? राजन, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इससे पहले कि सिकंदर इस बात को समझ पाता, उसी समय केशो भी कबीर जी के अंदर समा गए। सिकंदर दंग रह गया, रोते हुए कबीर परमेश्वर जी के चरणों में दंडवत की। बंदी साहिब, इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी ने
उन दुष्टों की इस साजिश को भी नाकाम करते हुए यह लीला की और भक्त समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है। जैसे मैंने कपड़ा बुनकर अपना व अपने परिवार का पेट पाला और भक्ति भी की, तो समय आने पर परमात्मा ने मेरी लाज भी रखी। उसी प्रकार आप भी मुझ पर यानी परमात्मा पर विश्वास करो और भक्ति करो। फिर देखना, जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सही के संत मिले, जिन सारे सब काम सच साहेब।